पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर के हार की दूसरी वर्षगांठ पर अपनों और विरोधियों पर श्री अहिर ने भावुक और तीखा प्रहार किया। और मैं 23 मई 2019 को चंद्रपुर लोकसभा में हार गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने एक लौटी सीट जीती। चंद्रपुर में हम पांचवी बार जनमान्य बीजेपी को नहीं जीता पाए, माफ करें। ऐसा भावनात्मक संदेश स्वयं पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर के मोबाइल से आज जब सैकड़ों लोगों को मिला तो सब हैरान रह गए। मैसेज छोटा था मगर संदेश बड़ा था। हंसराज अहिर का मानना है कि मैं हारा हूँ, पराजित नहीं हुआ, और शायद इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव के शॉकिंग रिजल्ट्स के कुछ ही दिन बाद से ही उन्होंने एक बार फिर से कार्य करना और कार्यकर्ता जोड़ना शुरू कर दिया। 2 साल में हंसराज अहिर ने इतने कार्यक्रम किए मानो 1 साल में ही चुनाव हो रहे हो। उनका ये भी मानना है कि पिछली बार मैं केवल बाहर के प्रतिद्वंदी से लड़ रहा था, इसलिए धोखा खा गया। मगर यह राजनीति है, इसमें आपके बाहर जितने दुश्मन होते हैं उतने अंदर भी हो सकते हैं। और अब की बार मैं हर ओर से तैयार हूँ। साथ ही उनकी टीम द्वारा एक एडिटेड वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें लोकसभा में उन्हें स्पीकर द्वारा जिम्मेदार, सभ्य, अनुशासित सांसद के रूप में बार बार पुकारा गया और दूसरों को उनसे सीखने की ताकीद दी गई। उनके इस भावनात्मक मगर दृढ़ संदेश को देखकर लगता है कि आने वाला लोकसभा चुनाव भले ही दूर है मगर हंसराज अहिर अभी से सज्ज है। फिर चुनौती चाहे सामने से हो या फिर भीतर से ही हो।